डियर स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव टू डिस्कस बाइनरी एडर। मैं आपको पहले ही हाफ एडर और फुल एडर के बारे में बता चुकी हूँ। अब हम पढ़ेंगे बाइनरी एडर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मैंने आपको बताया था कि अर्थमेटिक सम ऑफ टू बिट्स को करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, हाफ एडर का। यानी हाफ एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक एडिशन ऑफ टू बिट्स, एंड फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट विच इज़ यूज टू परफॉर्म अर्थमेटिक सम ऑफ थ्री बिट्स। नाउ द क्वेश्चन इज दैट कि अगर हमारे पास दो बाइनरी नंबर हैं जो 4 bit, 5 bit, 6 bit, n bit के हो सकते हैं, उनको हम कैसे ऐड करेंगे, वो कौन सी डिवाइस है, वो कौन सा कॉम्बिनेशनल सर्किट है जो उन्हें ऐड करने के काम आएगा। तो हम उसके लिए जिस डिजिटल सर्किट का यूज़ करते हैं, जिस कॉम्बिनेशनल सर्किट का यूज़ करते हैं, वो है बाइनरी एडर। द डिजिटल सर्किट दैट जनरेट द अर्थमेटिक सम ऑफ टू बाइनरी नंबर्स ऑफ एनी लेंथ इज कॉल्ड अ बाइनरी एडर। ऑफ एनी लेंथ का मतलब जो हमारा बाइनरी नंबर है वो 4 bit, 5 bit, 6 bit, n bit कितनी भी लेंथ के हो सकते हैं। द बाइनरी एडर इज कंस्ट्रक्टेड विद फुल एडर सर्किट कनेक्टेड इन कास्केड विद द आउटपुट कैरी फ्रॉम वन फुल एडर कनेक्टेड टू द इनपुट कैरी ऑफ द नेक्स्ट फुल एडर। मीन्स कि ये बाइनरी एडर कैसे बना होगा, ये बना होगा फुल एडर के कॉम्बिनेशन से। जितने बिट का नंबर होगा उतने फुल एडर उसमें लगे होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम 4 bit बाइनरी एडर बना रहे हैं तो 4 full adders को उसमें लगाएंगे। और ये 4 full adders कैसे कनेक्टेड होंगे, कास्केड। कास्केड का मतलब लगातार एक के बाद एक कनेक्टेड होंगे, जिसमें एक फुल एडर का आउटपुट कैरी दूसरे फुल एडर के इनपुट के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा। इस तरीके से फुल एडर आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एडिशन का एक एग्जांपल समझना चाहिए कि हाउ वी परफॉर्म एडिशन ऑफ टू बाइनरी नंबर्स, और उसकी एक एक डिजिट को इंडिविजुअली समझ लेना चाहिए कि वो किस तरीके से ऑपरेट हो रहा है, और उसके बाद हम उसका डिजिटल सर्किट बनाएंगे। देन वी अंडरस्टैंड कि हाउ बाइनरी एडर वर्क्स। तो सबसे पहले इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए लेट अस टेक वन एग्जांपल। मैंने एक एग्जांपल ले लिया है बच्चों। एक हमने अजेंड बिट ली, अजेंड नंबर लिया है ए, जिसको ऐड करना है। एक हमारा एडेंड है बी, जो जिसको ऐड करना है ए के साथ। तो ए और बी हमने दो नंबर लिए हैं जिनको ऐड करना है, जिनका एडिशन परफॉर्म करना है। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम टू नंबर्स को ऐड करेंगे तो उसकी हर एक इंडिविजुअल बिट एक पोजीशन होगी, जिसको हमने सबस्क्रिप्ट की तरीके से डिनोट किया है, यानी कि फर्स्ट बिट, सेकंड बिट, थर्ड बिट, फोर्थ बिट। अगर हम ए नंबर को उठाएं, सपोज वी गेट नंबर ए, तो दिस वन इज फर्स्ट डिजिट ऑफ ए, सेकंड डिजिट ऑफ ए, थर्ड डिजिट ऑफ ए, फोर्थ डिजिट ऑफ ए, लाइक दिस। और ये जो सबसे लेफ्ट में, सबसे राइट में आ रही है, द राइट मोस्ट डिजिट इज द लीस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन एंड द लेफ्ट मोस्ट डिजिट इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट पोजिशन ऑफ द नंबर। डू यू अंडरस्टैंड दिस? नाउ वी परफॉर्म एडिशन। आप सबको एडिशन करना आता है, बाइनरी एडिशन। वन और वन प्लस वन कितना आएगा, 1 0। तो 0 इज सम, 1 इज कैरी। नाउ दिस सी आई प्लस 1 का मतलब ये जो कैरी सी वन पर आया ये कहाँ जाएगा, सी टू के लिए जाएगा। यानी दिस कैरी गोज टू सी टू, नेक्स्ट टर्म में ऐड होगा, यहाँ आ गया। यानी ये जो वन है ये कहाँ से आया कैरी, इसकी प्रीवियस टर्म से आया और यहाँ ऐड हो गया। यहाँ जो फर्स्ट टर्म थी सी वन, इसके लिए कोई भी इससे प्रीवियस डिजिट नहीं थी, तो कोई भी यहाँ पर कैरी नहीं था, इसलिए हमने सी वन को 0 ले लिया। लेकिन सी टू क्या होगा, सी वन की टर्म में से आने वाला कैरी, यानी कि 1। तो अब 1 + 1 + 1, तो द रिजल्ट इज 1, द सम इज 1 एंड कैरी इज अगेन 1, क्योंकि 3 1 को जब हम ऐड करते हैं तो रिजल्ट आता है 1 1, और उसमें से 1 इज सम एंड 1 इज कैरी। दिस कैरी अगेन गोज टू द नेक्स्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, नेक्स्ट सिग्निफिकेंट डिजिट दिस दैट इज 3। तो अब यहाँ पर कैरी कितना आ गया, 1। तो 0 + 0, 0 + 1, 1। तो सम इज 1, कैरी इज 0। दिस कैरी इज मूव टू नेक्स्ट टर्म दैट इज C4, और ये 0 है, तो 1 + 0, 1, और इसका कैरी क्या आ गया, 0। अब यहाँ पर कैरी आगे नहीं जाएगा क्योंकि ये 0 है। अब
इसी चीज को हम डायग्राम से बाइनरी एडर बनाएंगे. हमें 4 बिट बाइनरी एडर बनाना है, तो सबसे पहले हमारे पास जो नंबर है उसमें बिट कितनी है, 1, 2, 3, 4, और इन 4 को हमें ऐड करना है 4 बिट ऑफ बी. सपोज हमारा फर्स्ट नंबर इज ए, सेकंड नंबर इज बी, तो एडेंड नंबर को एडेंड नंबर में हमें ऐड करना है, तो हमारा हमें 4 बिट को ऐड करने के लिए 4 फुल एडर चाहिए. तो हमने यहाँ डायग्राम में 4 फुल एडर लगाए हैं, फुल एडर 1, फुल एडर 2, फुल एडर 3, फुल एडर 4, तो 4 लगाए. बात समझ में आ गई, जितने बिट का नंबर होगा उतने फुल एडर लगाने हैं. अब हमें इसमें पास करना है नंबर ए और नंबर बी. तो हमने नंबर ए और बी को कैसे पास करेंगे, हर एक फुल एडर में हर एक बार इनकी डिजिट्स को पास करेंगे, जैसे A1 B1, फिर A2 B2, फिर A3 B3, फिर A4 B4, लाइक दिस. तो A1 B1 फुल एडर 1 में पास किया, A2 B2 फुल एडर 2 में पास किया, A3 B3 फुल एडर 3 में पास किया, A4 B4 फुल एडर 4 में पास किया. और साथ ही साथ हमने इसको एक कैरी भी दिया जो इनिशियली 0 है. इनिशियली C1 क्या है, 0, और हमने इसको 0 दिया. उसके बाद A1 B1 हमारी फर्स्ट डिजिट क्या है, 1 1, तो हमने इन्हें 1 1 पास कर दिया. इस तरीके से हम इसको दे रहे हैं, नंबर पास कर रहे हैं. अब जो फुल एडर 1 के 2 आउटपुट आएंगे, आप सबको पता है कि फुल एडर 2 आउटपुट प्रोड्यूस करता है, एक सम और एक कैरी. तो जो सम है वो तो हमारे रिजल्ट की डिजिट बनेगी, लेकिन जो कैरी आएगा, जो आउटपुट कैरी होगा फुल एडर 1 का, वो इनपुट कैरी की तरीके से काम करेगा फुल एडर 2 के लिए. इसी तरीके से फुल एडर 2 का आउटपुट कैरी फुल एडर 3 के लिए इनपुट कैरी का काम करेगा, एंड सो ऑन. और जो सम डिजिट्स आएंगी वो हमारे रिजल्ट की डिजिट्स होंगी, वो हमारा रिजल्ट होगा. तो इसको हम इसी एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती हूँ. इस एग्जांपल से हम एक्सप्लेन करेंगे तो बात समझ में अच्छे से आएगी. कि जैसे फर्स्ट डिजिट ए आई बी आई की A1 B1 क्या थी, 1 1, तो हमने 1 1 पास की, और इनिशियली सी क्या था, 0, तो हमने 0 पास किया. तो रिजल्ट क्या आया, सम आया 0, और कैरी जो सी 2 आया वो क्या आया, 1. अब ये 1 इसमें इनपुट के तरीके से चला गया, और फिर हमारी A2 B2 क्या थी, अगेन 1 1, तो हमने 1 1 दिया, और C2 यहां से 1 गया, तो हमारा रिजल्ट क्या आया, सम 1, और जो हमारा कैरी आया C3 दैट इज 1. अब हमने फिर A3 B3 को पास किया जो कि 0 0 थी, हमने 0 0 पास किया. यहां पे हमारा S3 रिजल्ट आया, तो S3 क्या था, 0 0, ठीक है, और इसका कैरी क्या था, 0, तो C4 0 गया. फिर A4 B4, तो A4 क्या था, 1, B4 क्या था, 0, और इन दोनों को जब ऐड किया तो सम क्या आ गया, 1, ठीक है, 1, और इसके बाद यहां से इसका कैरी क्या रहा, 0. इज दैट क्लियर? तो इस तरीके से हमने इसको परफॉर्म किया, और इस तरीके से एडिशन परफॉर्म करता है. नाउ दिस इज क्लियर टू यू. अब इसके बारे में डिजाइन किया बच्चों, 4 बिट फुल एडर. अब इसमें इसी बाइनरी एडर को बाइनरी पैरेलल एडर भी कहते हैं, क्योंकि ये पैरेलल मेथड यूज करता है असेंड नंबर और एडेंड नंबर को ऐड करने के लिए. सेकंड थिंग जो हमें याद रखनी है कि कोई भी n बिट बाइनरी एडर है उसमें हमें n फुल एडर्स लगाने होंगे. अगर मान लीजिए हमने 4 बिट बनाया तो 4 फुल एडर, 5 बिट बनाएंगे तो 5 फुल एडर, इसी तरीके से 8 बिट बाइनरी एडर बनाएंगे तो कितने फुल एडर लगाएंगे, 8 फुल एडर्स लगाएंगे. द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट कि जो ये डेटा है, इनपुट है ए और बी नंबर, ये कहाँ होते हैं, ये जो CPU के इंटरनल रजिस्टर्स होते हैं वहाँ पर स्टोर होते हैं. जैसे सपोज ए नंबर R1 रजिस्टर में स्टोर है, बी नंबर B1 R2 रजिस्टर में स्टोर है, तो इनकी बिट्स वहाँ से आ रही हैं, और जो रिजल्ट है सम 1, सम 2, सम 3, सम 4, ये जो डिजिट्स हैं ये नेक्स्ट किसी थर्ड रजिस्टर में जा रही होंगी, या इनमें से किसी एक रजिस्टर में स्टोर हो रही होंगी इनके कंटेंट को रिप्लेस करके. आर यू गेटिंग दिस? नाउ वी टेक वन अनदर एग्जांपल फॉर 5 बिट बाइनरी एडर. तो इसमें हमने 5 फुल एडर लगा दिए, बिल्कुल पहले जैसा प्रोसेस फॉलो किया, बिल्कुल पहले की ही तरह हमने इसको बनाया है, लेकिन इसमें एक और फुल एडर एक्स्ट्रा लगाया क्योंकि ये 4 बिट के बाद 5th बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए. और सपोज करो कि हमारे यहाँ पर नंबर ए और बी जो हैं वो 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 है, तो जब हम इनको ऐड करेंगे तो जो सम की S1 बिट आई वो 1 + 1 0, कैरी 1, 1 + 1 + 1 सम इज 0, सम इज 1, कैरी इज 1, फिर 1 + 1 + 1 सम इज 1, कैरी इज अगेन 1, 1 + 1 सम इज 0, कैरी इज अगेन 1,
और 1 + 1 + 1 तो सम इज 1, कैरी इज 1. तो इसमें एक एक्स्ट्रा कैरी हमने देखा जो हमारा C6 है जो नेक्स्ट रम के लिए जाना चाहिए था, लेकिन ये 5 बिट नंबर का हम एडिशन कर रहे हैं तो इसमें C6 वहाँ ना जाके कहाँ चला जाएगा, S6, सम की ही 6th बिट बन जाएगी लाइक दिस.